नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। अगर आपने भी सेबी में पैसा जमा किया है या फिर आप सहारा इंडिया में पैसा निवेश किए हैं तो आपका भी पैसा फंसा होगा, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी निवेशकों को 138 करोड़ कर चुका रहा रिफंड। आप भी सहारा में फंसा है पैसा तो पैसा जान लो कि कैसे वापस होगा। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं, बड़ी खबर है सहारा निवेशकों के लिए। ऐसे लोग जो आज अपना वापस पैसा लाने के लिए इधर उधर चक्कर के लिए मजबूर हैं। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी जो है सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपए वापस कर रहा है। तो हालांकि इतना रुपए वापस होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पैसे मिलेंगे। नई दिल्ली की रिपोर्ट है कि लोग पूरे वक्त के लिए रुपए बचा कर रखते हैं, नौकरी पेशा या फिर बिजनेस में। सभी बचत के लिए ऐसे स्कीम्स पैसा लगाना चाहते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। एक समय सहारा इंडिया इसी तरह के स्कीम चलाया था जिससे देश भर के करोड़ों लोगों ने आंखें बंद करके सहारा ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया था। आज उन्हें ब्याज तो छोड़िए, उनका मूलधन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। सुब्रत राय सहारा प्रमुख अर्श पर पहुंचे और फिर अर्श से फर्श आ गए। वहीं जिन निवेशकों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई निवेश किया था आज वो परेशान हैं। सहारा इंडिया देश भर के लाखों निवेशकों के पैसे फंसाकर कई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अपनी रकम का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 232.85 लाख निवेशकों में से 19,400.87 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए जमा किए थे, लेकिन सेबी सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपए ही वापस कर पाया है। ऐसे में बड़ी संख्या में निवेशकों के रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। इधर सहारा का कहना है कि वो निवेशकों का पैसा लौटाना चाहता है, लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये पैसा अपने पास रख लिया है। आइए आपको बताते हैं कि निवेशकों का रिफंड उनको कब मिलेगा। जानिए आप लोगों का पैसा कब और कैसे मिलेगा। साल 1978 में सुब्रत राय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी शुरू की थी। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की और गरीब मध्यम वर्ग के टारगेट किया। मात्र 100 रुपये कमाने वाले भी उनके पास 20 रुपये जमा कराते थे। देश की गलियों गलियों में उनकी ये स्कीम बहुत ही मशहूर हो गई। इसके बाद हुआ यूँ कि ये कंपनी देखते देखते साल यानी कि भारत की नंबर वन कंपनी बन गई। और जब इनका पैसा डूबने लगा तो अब हाल ये है कि जितनी भी जनता है सभी परेशान हैं। सहारा इंडिया का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किस्मत ऐसी बाजी पलटी कि किसी अंदाजा तक नहीं था कि समय इस तरह से हो जाएगा। सहारा प्रमुख सुब्रत राय जेल की हवा खानी पड़ी और साल 2009 तक सहारा कंपनी आईपीओ लाने की योजना बनाई गई। सहारा ने जब सेबी के आईपीओ के लिए आवेदन किया तो सेबी ने उससे DRHP यानी कि कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया, और जब सेबी ने इसकी जांच की तो इसमें काफ़ी गड़बड़ियां मिली। तो इस प्रकार यहां पर मामला 24,000 करोड़ रुपए का है। अब देखने वाली बात यह है कि सहारा जो कंपनी है वो लोगों का पैसा कैसे रिफंड करती है। सरकार की तरफ से पिछले साल यानी कि 2022 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सेबी 81.70 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक के जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। सेबी ने इसमें से 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि जो है 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्ड होल्डर्स को रिफंड किया है। इसमें से 70.04 करोड़ रुपए मूलधन और 67.98 करोड़ रुपए ब्याज शामिल थे। अगर आपका भी पैसा है इस तरह से तो आप पैसे पा सकते हैं, अन्यथा अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-266-7575 या फिर 1800-222-7575 पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई आपका प्रश्न हो तो भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।